अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट से हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा, इसमें आप लोगों का एक स्पेशल सा टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि आज हम नए क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज आपका टारगेट टेस्ट लिया जाना है। आज के वीडियो की अगर मैं बात करूं, इसमें हम 40 क्वेश्चन करेंगे, और आपको मैं टारगेट देता हूं कि 40 आउट ऑफ 40 आपको करने हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। टारगेट वीडियो है, आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 40 आउट ऑफ 40 आपको लाना है। तो चलिए देखते हैं यहां पे अपना टारगेट कौन कंप्लीट कर पाएगा और यहां पे अपने क्वेश्चन सही कौन कर पाएगा। ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, सबसे पहले प्रश्न की तरफ। एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए गवर्नर, आपको बताना है कि गवर्नर बनने के लिए जो एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 12 ईयर्स या 35 ईयर्स। देखिए, अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो इसके लिए जो एज होनी चाहिए 35 ईयर्स होनी चाहिए। दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा, यहां पे आपसे जो है मगधा की कैपिटल पूछी गई है। इनमें से मगधा की कैपिटल कौन सी है, राजगृह, दिल्ली, औरंगाबाद या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं मगधा की बात करूं, आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, यहां पे राजगृह इसकी कैपिटल रह चुकी है। दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन, देखिए यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, ओजोन की केमिकल फार्मूला आपसे पूछी गई है। अगर मैं ओजोन के केमिकल फार्मूला की बात करूं, यहां पे आपके पास चार ऑप्शन है, O2, O3, O4 या नन ऑफ दीज। तो O3 यहां पे जो मार्क कर रहे हैं, दैट इज ओजोन की जो केमिकल फार्मूला है वो है O3। बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे बताना है जो ओजोन है ये एटमॉस्फेयर के किस लेयर में देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करोगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, ब्लड इज प्योरिफाइड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, ब्लड जो है इनमें से कौन सा बॉडी का पार्ट जो है ब्लड को प्योरिफाई करता है। यहां पे अगर मैं बात करूं, हार्ट, इंटेस्टाइन, किडनी या लंग्स। देखिए, सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात करूं लंग्स की, तो लंग्स क्या है, लंग्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन है। और यहां पे अगर मैं किडनी की बात करूं, तो किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है ब्लड को प्योरिफाई करना। दैट इज यहां पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पे ये भी प्रश्न कभी कभार पूछा जाता है। यहां पे अगर मैं बात करूं हार्ट की, ठीक है ना, तो हार्ट का काम क्या होता है, ये जो है ब्लड को क्या करता है, पंपिंग करता है ब्लड को, ये भी आप याद रख लेना, क्योंकि कहीं पे ये क्वेश्चन मैंने देखा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताता चलूं। यहां पे रेंडमली इस पे नजर पड़ गई मेरी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। विच विटामिन इज फाउंड इन ऑरेंजेस, देखिए यहां पे मैंने आपको बार बार कहा है, जितने भी खट्टे चीजें होती हैं उनमें कौन सा विटामिन देखने को मिलता है, विटामिन सी देखने को मिलता है। तो ऑरेंज, ऑरेंज भी क्या है, ऑरेंजेस जो है ये खट्टी चीजें हैं, तो यहां पे इनमें जो विटामिन देखने को मिलता है वो है विटामिन सी। दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और यहां पे अगर मैं विटामिन डी की बात करूं, तो सनलाइट से ही मिलता है। विटामिन बी की अगर मैं बात करूं, इसे बेरी बेरी डिजीज, इससे इसकी डिफिशियंसी की वजह से बेरी बेरी डिजीज होती है। और विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन या छठे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो यहां पे आपको बताना है कि इनमें से जो बायोगैस का मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या मीथेन। तो यहां पे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, दैट इज मीथेन हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, 40 आउट ऑफ 40 आपको लाने हैं, ये टारगेट आपको अपना कंप्लीट करना है, क्योंकि यहां पे बेसिक से क्वेश्चन है, ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है, इसलिए 40 आउट ऑफ 40 आपको देना है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर, यहां पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एट सनराइज एंड सनसेट द स्काई नियर द सन लुक्स रेड ड्यू टू, देखिए यहां पे आपसे पूछा गया है, जब सन
राइज होता है या सनसेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसके आसपास का एरिया होता है, सिक्के जो इसके आसपास होती है वो कैसी दिखाई देती है, वो जो है रेड दिखाई देती है, यानी कि लाल कलर की दिखाई देती है। आप देखना जब भी यहाँ पे सनराइज होता है या सनसेट होता है तो इसके आसपास का जो एरिया है, जो सिक्के इसके आसपास है, वो जो है लाल कलर की होती है उस समय। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या नन ऑफ दिस। तो ये जो है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, आठवें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, सिक्के लुक्स ब्लू ड्यू टू। तो यहां पे आपको बताना है जो सिक्के है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है ना, ब्लू होता है। लेकिन क्यों होता है, जो ब्लू कलर होता है सिक्के का ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वायर आर रेड ब्लड सेल्स मेड। तो आपको बताना है RBC, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पुसल्स भी आप कह सकते हो। तो ये कहां पे बनती है, बोन मैरो, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, दैट इज बोन मैरो हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है ना। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आपको बताना है जो रॉकेट होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूटन्स लॉ, कोलंबस लॉ, कैपलर्स लॉ या नन ऑफ दीज। तो ए पार्ट दैट इज न्यूटन्स लॉ हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी। तो इलेक्ट्रिक बैटरी की अगर मैं बात करूं, इसकी इन्वेंशन किसके द्वारा हुई है, वोल्टा, न्यूटन, कोलंब या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, दैट्स वोल्टा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, इन बैरोमीटर डैश इज यूज्ड। तो आपको बताना है बैरोमीटर में इसमें इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, वाटर, वाटर वेपर, मर्क्यूरी या नन ऑफ दिस। देखिए अगर मैं बैरोमीटर की बात करूं तो इनमें जो है मर्क्यूरी का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रख लेना, जो मर्क्यूरी है जो थर्मामीटर होता है, जो मेजर उससे जो तापमान जो देखा जाता है उससे, यानी कि जो टेम्परेचर जो उससे देखा जाता है वो भी जो है शो करता है बिकॉज ऑफ मर्करी, ठीक है ना, यानी कि थर्मामीटर में भी जो है मर्करी का यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जो रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ है उसे और किस नाम से जाना जाता है, स्नेल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो स्नेल्स लॉ दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 14, डाइन इज अ यूनिट ऑफ। तो डाइन किसका यूनिट है इनमें से, फोर्स, पावर, वर्क या मोमेंटम। तो डाइन की अगर मैं बात करूं, इट्स द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, हाउ मनी क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन हुमेन। आपको बताना है कि हुमेन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स दिखने को मिलते हैं, 40, 44, 46 या 48। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, 46 हमारा राइट आंसर होगा। और कभी कभार जो है पेयर्स में भी पूछा जाता है, तो उस समय क्या करना है, 46 डिवाइड बाई 2 यानी कि इसका हाफ कर लेना है, तो वो पेयर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 16। तो 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, अर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ। तो ये जो अर्थराइटिस है ये किसकी डिजीज है, लंग्स, किडनी, जॉइंट्स या लिवर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं जॉइंट्स की, तो ये जो डिजीज है जॉइंट्स की डिजीज है, या आप कह सकते हो जो या आप कह सकते हो कि इस तरह से जो है जॉइंट्स को कौन सी डिजीज इफेक्ट करती है, अर्थराइटिस इफेक्ट करती है, ये भी आप याद रख लेना। तो 17वां नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है,
अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करने, इसके साथ साथ शेयर भी करना ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो और जेकेपी स्मार्ट को भी सपोर्ट मिल सके। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो 17वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, यहां पे 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, विच विटामिन इज ऑब्टेनड बाय द बॉडी फ्रॉम सनलाइट। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी को कहां से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, या आप इस तरह से भी कह सकते हो कि सनलाइट से इनमें से कौन सा विटामिन मिलता है, किस विटामिन की प्राप्ति होती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सनलाइट से जो है विटामिन डी मिलता है, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और विटामिन ए के बारे में मैंने आपको बताया कि विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है और कैरेट्स में भी विटामिन ए देखने को मिलता है। और विटामिन ई की अगर मैं बात करूं, इसे जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और एंटी सिट्रल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, यह आप याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आ जाते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लिवर, हार्ट, ब्रेन या नन ऑफ दीज। तो लार्जेस्ट ग्लैंड आपसे पूछा गया है, दैट इज ए पार्ट लिवर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 19। तो 19वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, हु इज पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, सॉरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सी वी रमन, एस सी बोस या नन ऑफ दीज। तो ए पार्ट यहां पे हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20 यहां पे क्या कह रहा है, हु इज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो कौन रह चुके हैं, थॉमस वाल्कर, के एम करियप्पा, मेजर लॉरेंस या नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं बी पार्ट दैट इज के एम करियप्पा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं, हु बिल्ट रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो यहां पे अगर मैं बात करूं रेड फोर्ट की, तो इसकी लोकेशन कहां पे है, सबसे पहले आपको याद रख लेना है दिल्ली में है। तो किसके द्वारा बनवाया गया है, बाबर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां। तो यहां पे अगर मैं शाहजहां की बात करूं, दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आ जाते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डे इज सेलिब्रेट ऑन 15 जैन। तो आपको बताना है कि 15 जनवरी को इनमें से क्या सेलिब्रेट किया जाता है, 15 जैन को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, एयरफोर्स डे, आर्मी डे, रिपब्लिक डे या नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहले अगर मैं एयरफोर्स डे की बात करूं, तो 8 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 26 जैन को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर मैं आर्मी डे की बात करूं, तो 15 जैन को जो है आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, आई होप कि आप सब लोग जो है अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन वाटर पोलो। आपसे पूछा गया है कि वाटर पोलो में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, 3, 8, 7 या नन ऑफ दीज। देखिए अगर मैं वाटर पोलो की बात करूं, तो इसमें जो है 7 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, और अगर आपसे बोथ साइड पूछा जाए तो बोथ साइड 14 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। और अगर आपसे केवल और केवल पोलो पूछा जाए, वाटर पोलो नहीं पूछा जाए, पोलो पूछा जाए, तो पोलो में जो है ईच साइड 4 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, और अगर बोथ साइड पूछा जाए तो 8 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, यह आप याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 24। तो 24वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, वेयर इज द चार मीनार लोकेटेड। तो चार मीनार की लोकेशन आपसे पूछी गई है, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद या भोपाल, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं हैदराबाद की, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, चार मीनार कहां पे देखने को मिलता है, हैदराबाद में है, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 25। तो 25वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो द फेमस लेक चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो चिल्का लेक की अगर मैं बात करूं, ये किस स्टेट में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो अगर मैं चिल्का लेक की बात करूं, ये उड़ीसा में देखने को मिलता है, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे बताना है चिल्का लेक को और किस नाम से जाना जाता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ चिल्का लेक, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आ गए आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, कौन रह चुके हैं पहले जो कि स्पेस पे गए हैं, राकेश वर्मा, राकेश शर्मा, रवि कुमार या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, दैट इज राकेश शर्मा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इसके पहले प्रेजेंट कौन रह चुके हैं। सबसे पहले नोट डाउन कर लेना, INC इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी फाउंडेशन कब हुई है, 1885 में, और किसके द्वारा, AO ह्यूम के द्वारा। और अगर मैं पहले प्रेजेंट की बात करूं, उमेश चंद्र बनर्जी, दैट इज WC बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 28, विच फुटबॉल प्लेयर इज नोन एज ब्लैक पीरल। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से फुटबॉल प्लेयर है जो कि ब्लैक पेरल के नाम से जाने जाते हैं, बोल्ट, पेले, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। देखिए इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट मान के चलो, इसके चांसेस आने के हैं, बहुत चांसेस आने के हैं। क्यों चांसेस आने के हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर मैं ब्लैक पेरल की बात करूं, ये जो है पेले को कहते हैं, ठीक है ना, और ये पेले कौन है, ये एक फुटबॉल प्लेयर है, इसका संबंध किसके साथ है, फुटबॉल के साथ है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, पेले इज एसोसिएटेड विथ तो फुटबॉल, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्लैक, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पेले, या इस तरह से पूछा जा सकता है पेले इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये जो पेले है एक फुटबॉल प्लेयर है, और रिसेंटली जो है इसका निवेदन हो चुका है, इसकी डेथ हो चुकी है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। रिसेंटली एक फुटबॉल प्लेयर की डेथ हुई, वो किस, या इस तरह से पूछा जा सकता है रिसेंटली जो है पेले इसकी डेथ हुई, ये किस सपोर्ट के साथ बिलोंग करता था, संबंध रखता था। और साथ ही साथ आप मुझे बताओगे होमवर्क में, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आपको मुझे बताना है पेले का जो असली नाम है, ओरिजिनल नेम है, वो क्या है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि इसका निक नेम है, लेकिन जो इसका रियल नेम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम आपसे पूछा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, मेलबोर्न स्टेडियम या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, दैट्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं 30 नंबर प्रश्न पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे पहले आपको याद रख लेना है WTO, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, 1995 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस, इसे और किस नाम से जाना जाता है, बापू, नेताजी, पैरट ऑफ इंडिया या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, इसे जो है नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रश्न आपके लिए होमवर्क, जो भी मैं, क्योंकि आज क्वेश्चन जो है टेस्ट लिया जा रहा है, नॉर्मल सा टेस्ट है, लेकिन जो होमवर्क मैं आपके लिए रख रहा हूं वो आपको लाजमी करने हैं। आपको मुझे बताना है जो बापू है ये किसका निकनेम है, और पैरट ऑफ इंडिया या तोता ए हिंद ये किसका निकनेम है। चले मैं ही बता देता हूं, फिर आप भूल जाते हो, क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता हूं कि मिस हो जाए। अगर मैं बापू की बात करूं, यहां पे बाबू लिखा है मैंने, बापू है, ठीक है ना, बापू, बाबू नहीं है, मेरा सोना मेरा बाबू वो वाला नहीं है, ठीक है ना, ये जो है बापू है, यहां पे नहीं जाना है। अगर मैं बापू की बात करूं तो बापू जो है ये किसको कहते हैं, M.K. गांधी को कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को कहते हैं, और इसे जो है फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं पैरट ऑफ इंडिया की बात करूं या तोता ए हिंद की बात करूं, अमीर खुसरो को जाना जाता है, ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 32, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साहित्य एकेडमी। तो साहित्य एकेडमी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, कहां पे है इसका हेडक्वार्टर, लखनऊ, कोलकाता, न्यू दिल्ली या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट इज न्यू दिल्ली हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन। तो सन के
करीब सबसे प्लेनेट इनमें से कौन सा है? वेनस, अर्थ, मर्क्यूरी या नन ऑफ दीज? तो यहां पे अगर मैं बात करूं सी पार्ट की, दैट इज मर्क्यूरी हमारा राइट आंसर होगा। और अर्थ की अगर मैं बात करूं, इसे जो है ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है और इसे जो है वाटरी प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रख। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूं, आई एम ए, ठीक है ना, आई एम ए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आई एम ए स्टैंड्स फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज बी पार्ट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है ना, सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। और आपको मुझे बताना, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और आप मुझे पता है आप क्या बताओगे, आप बताओगे डी से उसका आता है, हिंट देता हूं मैं, लेकिन आपको मुझे बताना है पर्टिकुलर, ठीक है ना, पर्टिकुलरली कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो आप मुझे बताओगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 35, नेम द इंडियाज हाइस्ट प्लेट्यू। देखिए यहां पे आपसे इंडिया का हाइस्ट प्लेट्यू पूछा गया है, दक्कन प्लेट्यू, लद्दाख प्लेट्यू, अफ्रीकन प्लेट्यू या नन ऑफ दीज। यहां पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, यहां पे जो है हाईएस्ट प्लेटू पूछा गया है, तो यहां पे लद्दाख हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाता है, फिर आपका ऑप्शन दक्कन सही होता है, या आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 36, विच रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा। तो कौन सा रिवर है जो कि डेल्टा नहीं बनाता है? इंडस, कोसी, नर्मदा या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट इज नर्मदा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 37, हु वॉन द T20 वर्ल्ड कप 2007। तो T20 वर्ल्ड कप जो कि 2017 में हुआ, वो किसने जीता? पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया या नन ऑफ दीज। तो इंडियन आर्मी में मैंने एवरेज में देखा है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना इस तरह से, कभी कभार काम में आ जाएगा, लेकिन ऑलवेज नहीं, तुक्का कभी कभार लग जाएगा, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता, लेकिन एवरेज में ऐसा हो जाएगा कभी कभार। अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन देखो, वहां पे जो दिया गया होगा कि T20 वर्ल्ड कप ये किसने जीता, वो किसने जीता, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया होगा, तो एवरेज में इस तरह से नहीं, ये तुक्का हर बार नहीं चलेगा, लेकिन कभी कभार अगर आपका मन करे कि तुक्का लगाऊं, अगर आपने तुक्का लगा दिया तो उस वक्त पॉसिबिलिटी है कि यही लगाना। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी जो एवरेज मैंने क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ पे जो है इस तरह से जो कुछ पूछा जाता है T20 वर्ल्ड कप के बारे में, या रिसेंटली जो मैच वगैरह है वो किसने जीता है, तो वो इंडिया का ही पूछा जाता है, जो इंडिया ने जीता होगा वही पूछा जाता है एवरेज में, ठीक है ना। इस तुक्के के लगने के 80% चांसेस हैं, ठीक है ना, याद रख लेना, हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभार काम आ जाएगा, तो याद रख लेना। इस बार भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, यहाँ पे भी इंडिया इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की अगर मैं बात करूं, टी टर्म इज रिलेटेड टू विच सपोर्ट। टी टर्म इसका संबंध किसके साथ है? क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल या गोल्फ। तो यहाँ पे डी पार्ट, दैट इज गोल्फ हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। कौन सा है? वुलर लेक, मानसबल लेक, डल लेक या नन ऑफ दीज। तो वुलर लेक है, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इन विच स्टेट चोलामू लेक लोकेटेड। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? सिक्किम, गुजरात, हरियाणा या नन ऑफ दीज। तो ए पार्ट दैट इज सिक्किम हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी वजह से वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। और हाँ, प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना, वहां पे आपको ढेर सारे ओरिजिनल प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप में से जिसने ये वीडियो मिस किया है, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे मिस मत करना, एक बार जरूर देख लेना। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो एक बार जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।